गाइस तो अम्मी को अलविदा बोल के जा रहे हैं हम, बहुत जल्दी मिलेंगे अम्मी से। कलवा बाय, सॉरी कलवा नहीं। इसी में है मेरे कुछ कमीने दोस्त, तो आप पहले मिलो सबसे, ठीक है? ओहो नवाब भाई, प्लीज प्लीज बजा एक बार बता दो, प्लीज प्लीज एक बार। और यहाँ से कम कितना डिस्टेंस है? 160 किलोमीटर। आप तो जानते हो ना, कब से मैं प्लानिंग कर रहा था कि कहीं की ट्रिप की बट हो नहीं पा रहा था। तो अचानक से ना नवाब ने और कुछ दोस्तों ने कॉल किया प्लानिंग की कल रात में, और हम आज निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। भाई मैं आपसे बता दूं कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, बट मैंने इस बंदे से भी बोला कि भाई चलो चलो, बट इसको जाना ही नहीं है। हमने बोला सुबह से इसको बोल रखा था कि भाई चलो चलो, ये अरे हाँ भाई वहाँ सारे बंदे आ रहे हैं सुबह से, ये मतलब मैंने इसको बोला तो वो सारी जितना भी अरेंजमेंट था भाई, सॉक्स लाना ये वो सब कुछ इसने अरेंज करके दिया मेरे को। ये जल्दी जल्दी गया, सब कुछ लेके आया, फिर अभी मैंने सब कुछ पैकिंग कर दी है। मैं अभी यहाँ से पहले जाऊँगा कानपुर, कानपुर में जो ट्रेन है उन लोगों की वो कानपुर में आने वाली है, तो वहां से मैं उनके साथ ऐड हो जाऊंगा, फिर वहां से हम सारे दार्जिलिंग जाएंगे। तो अभी पहले चलते हैं घर वालों से थोड़ा मिलते मिलते हैं, उसके बाद चलेंगे रोडवेज, ये हमें छोड़ने जाएगा, चलेंगे ठीक है? चलो चलो चलो। गाइस तो अम्मी को अलविदा बोल के जा रहे हैं हम, बहुत जल्दी मिलेंगे अम्मी से। बाय बाय, ठीक, आई लव यू, बाय। अब देखिए गाइस, अम्मी ने रस्म कुछ निकाली है, इसको करते हैं, क्या करना अम्मी? हाथ रंग दो और कुछ। रोहन मेरा बेबो, बच्चे जा रहे हैं मैम, जल्दी से आएंगे। भैया के लिए अपने कुछ सामान, बहुत अच्छे चीजें लेके आने वाले, क्योंकि जब रूहान नहीं था तो मतलब कभी भी हम कहीं आते तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आता था। अब कि रूहान के लिए भी आएगा, सब रूहान के लिए आएगा। गाइस तो हमेशा की तरह अम्मी फिर इमोशनल हो चुकी हैं, आंसू भर लिए अपने आंखों में, ये देखिए फिर वही तरह मेरा गोलू मोलू। बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय। चलो अल्ताफ भाई जल्दी से मैं छोड़ के आऊँ। तो नानी के घर पे आए थे, नानी के घर पे सबसे मिल लिया। नानी की थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से नानी को नहीं दिखा पाए, वरना नानी को दिखाते। अब इस रास्ते हमारे साथ यार, भाई अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ख्याल रखना अपना, सबसे मिल लिए हैं। तो अल्ताफ ने मेरे को बस दिला दिया, शिफ्ट कर दिया हमें, अब जा रहे हैं, बाय बाय, मिलते जल्दी, ठीक है? कलवा बाय, सॉरी कलवा नहीं, सॉरी। अच्छा भाई, चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कॉल करते रहना, ठीक है? बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइस तो फाइनली कानपुर आ चुका हूँ मैं, और अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन। भाई रास्ते भर मैं तो सोते हुए आया हूँ, मस्त सा सो गया था। तो पहले चलते हैं स्टेशन, वहाँ पे नवाब लोग अभी आएंगे, उनसे मिलते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरे को ऑटो करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। बाकी ये भी बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ही अलग। अनुज ने बोला था ना कि जो ट्रेन है वो लेट नहीं होती है, और भाई 2 घंटे पूरे के पूरे लेट हो रखी है, और अभी तक ये सब आए नहीं है, और मैं कब से वेट किए जा रहा हूँ। आया हूँ, मैंने तो एक नींद भी मार ली बैठे बैठे, मैंने नींद भी मार ली, अभी तक नहीं आए, अभी देखते कि वो कब आते हैं। गाइस तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है, इसी में है मेरे कुछ कमीने दोस्त, अभी बुलाते हैं उन्हें, फिर उठते हैं। आ चुकी है, काफी वेट करवाया, तो आप पहले मिलो सबसे, ठीक है? ओहो नवाब भाई, भाई कैसे हो? भाई अनुज भाई हमारी ट्रिप में ऐड हो गए हैं। ये भाई ना हमें वैसे ना अभी मिले हैं ट्रेन के अंदर, हम अभी लॉन्ग टाइम से जानते नहीं एक दूसरे को, ये हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दिया। ये हुआ ये ना कि हमारा प्लान चेंज हो गया, और हम अब जाने वाले बस से, ट्रेन हमारी कुछ सीन हो गया था वो बताने वाले नहीं है, तो इस वजह से हम बस से अब जा रहे हैं। अब कैसा लग रहा कानपुर में घूम के? देखी कौन है ये लोग? तो हम इस बस से जाएंगे। कुछ बेच रहे हैं भैया, क्या बेच रहे हो? गोरखपुर जा रहे हैं अभी हम, गोरखपुर से फिर हमें दूसरी बस करनी है, उससे हम जाएंगे। देखो 12 पिन की, क्या 12 बंकी ये 12 बंकी है ना? हाँ
अभी हम बाराबंकी में हैं, अभी हम ब्रश करते हैं सब। ब्रश लेके आया तू ना? हमने ना एक बार फिर से बस रुके, तो अब की हम चाय पी रहे हैं मस्त वाली। और भाई तुमने नीली चाय? ये भी भाई कुछ खाने के लिए उतने बस खा ही नहीं पाए। हमें ना इतना बोर सा हो रहा है भाई कि आज है कल या परसों है दीपावली, इतनी गंदी वाली भीड़ हो रखी है, सारे लोग घर जाना है अपने, और हमें अपनी ट्रिप पे जाना है। पता नहीं क्यों होता भाई, पर कोई नहीं, चलेंगे तो जरूर। कुछ भी हो जाए पहुँच के जरूर आऊंगा, पहुँच के जरूर आऊंगा इसके गाँव। भाई हम सारे जा रहे गोरखपुर, तो गोरखपुर जाते इस टाइम में हमें, ये तो पहले हमारे साथ में थी और इनकी फ्रेंड कुछ मिल गई है, तो वो साथ में खाना वाना लेके आई है सबके लिए। खाना सबका हिसाब हो गया, ओ, सारे अंदर खाना। भाई कैसा लग रहा, खाना मिल गया? बढ़िया, अभी खाया भी नहीं है, बढ़िया लग गया। कोई बात नहीं भाई, उधर बंदा चालू हो गया मस्त। गोरखपुर पहुंचने के बाद हमें पहले ना अपनी टिकट करवानी थी, तो हमने टिकट करवाई और बस की हमें बस की सब कुछ कंफर्म हो गया, हमारी 9:30 बजे बस है। पहले हमें खाना खाना था, तो हमने खाना खाया मस्त से बिरयानी, और इन लोगों ने वेज खाया है क्योंकि इन्हें नॉन वेज नहीं पसंद है, और इन्हें पसंद है बट वो इनके चक्कर में नहीं खा रहे। नवाब भाई ने सबने बिरयानी खाई मेरे साथ में, इधर इनका भी ब्लॉग चल रहा है। और आपको एक भाई से और मिलाते जो हमारे साथ शुरू से थे, अभी लास्ट तक वो भी बैठे, बिरयानी चल रहा है मस्त से। गाइस तो यहाँ पे बिरयानी चल रही है, दबा के चल रही है। भाई हमारे साथ मतलब शुरू से लास्ट तक अभी तक हैं, अभी लास्ट तक रहेंगे। हमसे बड़े ना हमारे बैग हो रहे हैं, ये देखो आप कितने सारे बैग हैं। मैंने किए हाँ, सारी मेहनत मैंने की है, दिख रही कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है देख लो, सारे के सारे सिर्फ चमका रहे हो, सिर्फ अपनी चैने चमका रहे हो बस। पांच सारे बैग। और भाई ये इससे हम जाएंगे पहले जहाँ पे हमारी बस लगी हुई है। गाइस तो सारे बंदे ऊपर चल रहे हैं, मुझे भी जाने दो, चल चल चल। देखो हम सारे ना फिर से एक बार और चेंज कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है बाय। इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। चलो 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 चलो, ये देखो हम सारे कहाँ बैठे हैं, तो अनु जा चुके हैं ऊपर। और यहाँ से कम से कम कितना डिस्टेंस है? 160 किलोमीटर के बाद आपको हम दिखाएंगे कारखाना। ये देखो आप, ये ऊपर बैठने में ना यही मजा आता है कि भाई सारा व्यू आप देख सकते हो, कुछ भी देखना तो गाइस अभी आपने देखा, मैं आपको बताना भूल गया, हमने एक और बस चेंज किया, पता नहीं अब कितनी बस चेंज किया, मैं गिनती भूल चुका हूँ बस। अभी भूल गया कितनी बस चेंज किया पता नहीं भाई, मैक्सिमम 7-5-5। और अभी तो यार अभी इस बस को भी चेंज करना है, वहाँ से ही बस लेनी है। और ये जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ इस बंदे के चक्कर में हो रहा है, बंदे ने हमारी टिकट नहीं करवाई हमारी। मैंने बोला करवा रिजर्वेशन, टिकट सीधा वहाँ पहुँचते हैं। सीधी बात ऐसी है, अब यहाँ पे हम व्यू का एंजॉय ले रहे हैं, जितनी भी हमारी पूरी रात जो भी रात की हमारी फ्रस्ट्रेशन थी वो सब उतर रही है। अब धीरे धीरे हम हील हो रहे हैं एंड धीरे धीरे हमारा टीम कोऑर्डिनेशन पूरा इक्वल हो रहा है जैसे पहले था। चल रहे हैं, जब से बस ही बस हो रहा, बस चलते हैं, बस बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो ये जो भाई है इनका घर अब आने वाला है, तो ये अब पहले अपने घर पे उतर जाएंगे क्योंकि घर में कुछ फंक्शन है। ये देखो किस तरह धोना धोना चल रहा है भाई, इसकी बारी, तेरी बारी। देखी तो ये भाई जा रहे हैं, भाई ने ना मतलब अनोन होके भी हमें हमारा बहुत सपोर्ट किया, मतलब इनको भी बहुत मजा आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारे साथ? बिल्कुल मेरे को तो बहुत मजा आया, आप लोग सब। और हमारी प्लानिंग हो रही है, हम मतलब वहाँ पे जाने के बाद भाई के कुछ काम है, वो भाई करके फिर हमसे मिलेंगे, एक साथ जाएंगे गैंगटॉक। फिर
क्या काम है? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं जल्दी, ठीक है, बाय, ख्याल रखो अपना, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली सिलीगुड़ी, और जो हमारी बस है वो लास्ट है, तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे हम? सामसिंग, यहाँ पे इसका गांव है। उसके बाद आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारी फोन की सबकी बैटरी डेड हो चुकी है अभी, हम खत्म नहीं ये नवाब के फोन से शूट हो रहा है। हम वहाँ पे जाके चार्ज वार्ज करके फुल आपसे बातें करेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ का व्यू देखो, ऐसा बन रखा है यहाँ पे, बहुत ही मस्त। हमने ना ये रही हमारी बस, और हमारी ना हमने ये मार्केट देखते हुए पूरा देखते हुए आया ऑटो से, बड़ी ही मस्त थी मार्केट। हमें परेशानी में डालने वाले ये बंदे हैं, मस्त घुमाने। माफी मांगना चाहूंगा, मगर भाई ये करने से ना एक्सपीरियंस बहुत हमें मिले हैं, हर एक एक चीज के एक्सपीरियंस मिले हैं। मजे लो भाई, क्या चाहिए अपने को, मजे चाहिए, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। 3 दिन बाद लो, बट लो मजे लो, चाहे तुम्हारे सब खत्म हो जाए। कोई नहीं, 4 दिन है, 4 दिन मिलते हैं आपसे।